ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि 1.5 विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या विंगावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्माशना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं अविंगापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां। हस्तस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्देतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। और वंदे ताम परमेश्वरी भगवते बुद्धि प्रदान शारदाम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणीं विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार, सुस्वागतम, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। और आज ये लगातार मैं दूसरे दिन मैं पैसेस को ले रहा हूँ, दो तीन क्लासेस, एक दो क्लासेस बीच में पैसेस करवा दूँ, क्योंकि आप सभी लोग पैसेस नहीं करते हो। जबकि क्वेश्चन दोनों माध्यम में आते हैं, आपके व्याकरण वाले भी क्वेश्चन आते हैं और पैसेस वाले भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप लोग हर तरीके से मजबूत रहें, चाहे वो संस्कृत के श्लोक आए, चाहे वो पैसेस आए, चाहे वो ग्रामर आए। फिर अगर अलग पेपर जो लोग देना चाहते हैं उसमें पैडागॉजी भी रहता है, उसमें भी तो पैडागॉजी की भी डिटेल क्लासेस आज से जो पेड क्लासेस पे देखने को मिलती हैं वो आज से देखने को मिलेंगी। आज हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दे दिया जाए। तो आज मैं पहला श्लोक ले रहा हूँ आपके सामने। उसके पहले एक आपके ही बीच में से कोई एक और वंदन कर रहा है, अब भगवान का वंदन कर रहा है, तो उसको एक और श्लोक हम लेंगे, उसके बाद फिर क्लास को आगे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे। सबसे पहला श्लोक आज का निर्देश दिया गया, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्न नाम प्रश्न संख्या 1 से 6 विकल्प मात्रोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित श्लोकम, नीचे दिए गए श्लोक को पठित्वा माने पढ़ कर करके, त्वा प्रत्ययांत पठ धातु में जब त्वा प्रत्यय लगा है पठित्वा बना है, पढ़ करके अर्थ आएगा। तदाधारित उस पर आधारित प्रश्नानाम प्रश्नों के विकल्प मात्रोत्तरेषु विकल्पों में जो उत्तर दिए गए हैं उसमें समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, उसमें समुचित उत्तर को चुन करके लिखो। और आपके सामने जो श्लोक है बहुत ही बेहतरीन श्लोक है। कुछ लोगों को पता होगा कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, जो जिसको पता होगा वो बता सकता है, अदरवाइज हम देखो श्लोक पढ़ा रहे हैं हम तो बताएंगे क्या। कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणे का शमलंकरोति पुरुष या संस्कृता धार्यते अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम सततम वागभूषणम भूषणम। तो रिट प्रीवियस ईयर का ऐसा नहीं बताते हैं महादेवम, ऐसा नहीं बताते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट।
वहां से जो लिया गया वो तो है ही। ध्यान देना, यह कहां से लिया गया है? नीति सत्कम से लिया गया है ना, कहां से लिया गया है? आई थिंक नीति सत्कम से लिया गया है। अब आप उसमें इधर उधर कर रहे हैं, नीति सत्कम में है। ठीक, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मुझको मालूम है कि यह नीति सत्कम का ही है। ठीक, के यू नीति सत्कम का ही है, बिल्कुल सही मैं पकड़ लिया। और ये छठवां श्लोक है कि केयूरारिन विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते और क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वागभूषणम् भूषणम्। यह विद्वत पद्धति से लिया गया। ठीक है, किससे? विद्वत पद्धति से लिया गया है। तो पूरा आप लोग जो है कम से कम जो 7 किताबें हैं उनको तो आप अच्छे से पढ़ा कीजिए, उतना ही प्रैक्टिस किया कीजिए। हाँ, वाह वाह, क्या बात है, वाणी की महत्ता को बताया है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल पिछले में सुने थे, अभी अगले में सुनाएंगे, ध्यान सुनो। तो यहाँ पे क्या है, केयूरा न विभूषयन्ति, केयूरा भी उसने पुरुष महारा न चंद्र पुरुष। अब ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे आभूषणों के बारे में चर्चा किया गया है, और मुझसे भी अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो बताना, क्योंकि इतने सारे अलंकारों को मैं नहीं पढ़ा हूँ, इतने सारे जो आभूषण होते हैं उसका मैं प्रयोग नहीं करता हूँ। वैसे लड़कियां जानती होंगी, औरतें इसमें होंगी जो जानती होंगी। एक बार मैं बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो कुछ बोल रहा था, तो कुछ लोग कह रहे हैं गुरु जी आपको ये कैसे पता कि इसके बाद क्या होता है। अब चलिए ठीक है, अब उसके बारे में बताएंगे कैसे पता। तो केयूरा न विभूषयन्ति, ये जो बाजूबंद होते हैं ये औरतों को विभूषित करते हैं या पुरुषों को विभूषित नहीं करते। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, चंद्र के उज्ज्वल के समान हार, अर्थात जो चांदी उगर वाले पहले हार पहनाए जाते थे ना, आदमी लोग पहनते थे, औरतें लोग पहनती हैं खासतौर पर। अभी भी ध्यान दीजिएगा, औरतों के बारे में कहा जा रहा है कि औरत लोग जो चंद्र के समान धवल, चंद्र के समान उज्ज्वल जो हार पहनती है, अगर वह हार आदमी लोग पहने तो क्या मतलब का है? ध्यान देना, औरतों के हार को अगर आदमी को पहनाने की बात किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनके लिए कोई मतलब एक तरीके से उनका शोभा नहीं बढ़ा पाएगा। पुरुषों का अपना अपना अलंकार अलग होता है, औरतों का अपना अलंकार अलग होता है। अब यहाँ पर समानता के अधिकार के तहत में कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो आदमी पहनेंगे वही हम औरत भी पहनेंगे। हम कह रहे हैं कि जो औरत पहनती है वो आदमी को अच्छा लगता ही नहीं है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण में यह श्लोक आपके सामने है। तो आप बताओ, जब जो आदमी पहनते हैं उसको औरत पहनेंगी तो कैसे सुंदर लगेंगी? सुंदरता क्या होता है? छोटे में विद्यमान होता है, और फिर खासतौर पर सुंदरता के बारे में औरतों को ही देखा जाता है। आदमी सुंदर है, ऐसा है, वैसा है, वो सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, हसुली बोलते हैं, हसुली यहाँ पहना जाता है। ठीक है, हसुली यहाँ पहना जाता है और यहाँ पे ना, केयूर नमक आभूषण व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाता। केयूर क्या होता है? और चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर जो चांदी की जो आभूषण होते हैं सोने चांदी के, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे शब्द उसी तरीके से आप लेके चले आई है, केवल इतना भी ज्यादा जंगर चुरई नहीं होना चाहिए। तो केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, बाजूबंद जो होते हैं वो पुरुष सुशोभित नहीं करते हैं, या चंद्रमा के समान उज्ज्वल अर्थात सोने चांदी, या चांदी ज्यादातर होता है उसका जो हार होता है, हार भी अगर पुरुष पहने तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। न स्नानम, अब यहाँ पे हम बोल दिए कि स्नान करना, तो न स्नानम, स्नान करने का अर्थ यहाँ पे है कि क्या गुरु जी, क्या कोई आदमी अगर नहाए तो वह अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, आदमी नहाए वो बात सही है, लेकिन वो औरतों का स्नान कुछ अलग ही होता है। और अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होता है तो आप अभी भी राजस्थान के उन किलाओं में जाओ, मैं तो जब गया था तो मैं तो किला ही घूम रहा था, उसमें ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल बनाए गए हैं मस्त एकदम अच्छे से, दरवाजे के अंदर, घर के अंदर, यहाँ वहां आकर करके बड़े अंदर ले आकर के, और सामने से दरवाजा खोल दो तो कोई बाहर से तो नहीं आ सकता। अब आज का अलग समय है कि लोग ड्रोन उड़ा करके लगेंगे उल्टा सीधा करने, बट उस समय ऐसा ड्रोन वगैरह नहीं उड़ाए जाते थे, तो क्या होता था, आराम से नहाते थे, लेकिन एक सस्पेंशन हमको होता था। पहले लोग क्या होते थे, एक किले से दूसरे किले तक का जो है वो टेलीस्कोप लगा के देखते थे, लेकिन उसमें जो होता था नहाते वक्त में राजा जी सामने भी बैठे रहते थे। अब ऐसा हम कहेंगे तो कहेंगे आप गलत कर रहे हैं, फिलहाल उस तरीके से सब बना गया था, बढ़िया खोल दो खड़गी हवा लग रहा है और आराम से जो है स्विमिंग पूल में मस्ती से नहा रही है। और उसके बाद नहाने के जस्ट बगल में एक और कक्ष बना है, वो सब बाथरूम के अंतर्गत ही आता है, जस्ट बना है, जहां पे रानियों के ऊपर लेप लगाया जाता है।
क्या होता है, लेप लगाया जाता है। अब अगर जो इसमें संस्कृत के जानकार हैं, मैं अगर उनको मैं बताऊं तो आप जानते होंगे जब कर्मकांड आप पढ़ते होंगे या जब आप पूजा पाठ करते करवाते होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आप देखे होंगे कि जो शालिग्राम की मूर्ति होती है पहले उसको किससे नहलाने का मंत्र बोला जाता है, पहले उससे नहलाया जाता है, फिर किससे नहलाया जाता है, फिर क्या लगाया जाता है, फिर क्या क्या डाला जाता है, करीब 4-5 चीजें होती हैं। अगर कोई जानकार है तो जानता होगा कि उसमें पहले दूध से नहवाया जाता है, फिर क्या होता है शहद लगाया जाता है, फिर क्या होता है क्या लगाया जाता है, ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है ठीक है, हाँ बहुत सारा टाइम लगता है। तो उनकी नहाने की जो स्पेसिफिक जो बात है उस चीज को भर्तृहरि जी जानते थे, चूंकि वो भी राज दरबार के राजा ही थे, तो उनकी भी रानी जाकर के इतना देर तक नहाती होंगी, उनको पता ही होता होगा। अभी भी गए तो हम देखे संगमरमर के लगे हुए तमाम गड्ढे और पानी, हम कहे क्या बात है क्या बात है, अति आनंद मतलब। और नहीं, उबटन लगाना अलग होता है, चंदन वगैरह का लेप भी लगाया जाता है, चंदन वगैरह का लेप लगाया जाता है और शहद भी लगाया जाता है। कहोगे सर शहद लगाने से चिपचिपा हो जाता है, लेकिन उससे चमक आती है, ठीक है, शहद भी लगाया जाता है, चंदन भी लगाए जाते हैं, दही की लेप लगाई जाती है, ठीक, घी का लेप लगाया जाता है, तब जाकर के आप लोगों को शायद एग्जैक्टली नहीं पता है, गुरु जी आप लोगों को शायद कर्मकांड नहीं पढ़ाए होंगे तो इतना ध्यान देना। उसमें जब आप इसी ऐसे ही थोड़ी ना वो जो मूर्ति होती है शालिग्राम की चमकने लगती है, इतना उसका सेवा होता है। तो ना स्नानम, तो उस वाले स्नान के बारे में कहा जा रहा है, ध्यान देना, सिंपली स्नान करना तो जरूरी ही है, ना स्नानम न विलेपनम, वही लेप करना, स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, जो है बाल में जटा जूट में जो वो बांधते बाधा जाता है वो औरतें आजकल भी, अब हम सबको तो नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में तो मानस में हमारे गुरु जी तुलसीदास जी भी नहीं लिखे कि सीता जी अपने यहाँ पे क्या बांधती थी, यहाँ पे क्या बांधती थी, यहाँ क्या लटकाती थी। फिलहाल आज की जो वीडियोज आती है, आज के जो जो आपके, हाँ पंचामृत का स्नान तो साथ ही साथ पंचामृत नहीं बनता है, वो एक एक कर करके स्नान करवाते हैं तब पंचामृत बनता है, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, उसका प्रोसेस है, पहले या बाद में कर देने से कुछ नहीं, गोबर से नहीं होता है, ठीक है, तो उसका पहले और बाद में उसका क्रम होता है, ठीक, क्रम होता है। चूंकि मैं अभी पूजा पाठ नहीं करवाता हूँ इसलिए मुझको उसको एग्जैक्टली क्रम मैं इसमें विस्मित हो गया, इसलिए मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मैं जब वही बोलता हूँ जो 100% श्योर होता हूँ, थोड़ा भी सस्पेंशन होता है तो मैं कह देता हूँ कि इन इन चीजों को लगाते हैं, लेकिन पहले क्या लगाता है उसका नियम है कि पहले इसी का मंत्र बोलना चाहिए, फिर यह लगाना चाहिए, फिर इसका मंत्र बोलना चाहिए, फिर यह लगाना चाहिए, फिर इसका मंत्र बोलना चाहिए, उसके बाद अलग अलग, ठीक है। हाँ, तो एक गजरा जो है लगाने वाला प्रोसेस, आजकल कहीं कहीं थोड़ी थोड़े कहीं कंडीशन में कुछ लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह होना चाहिए कि औरतों के जो बाल होते हैं या खुले हुए बाल होते हैं वो अपने अपने हस्बैंड के अलावा कोई किसी और को दिखाई ना दे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो शुभ माना जाता है। और आजकल तो कह दोगे कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं है, बाल दिख गया तो क्या बहुत दिख गया, लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है, वो सब सारी चीजें ढक कर करके उसको सुचेत करके ढक करके रखा जाने का परंपरा होता था, लेकिन अब हमको लगता है धीरे धीरे परंपरा जिस तरीके से बदला है कि अगले कुछ ही साल में इतना परंपरा खुल जाएगा कि पाश्चात्य संस्कृति वाली अपने यहाँ आ जाएगी। फिर नारायण करें के यूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वो फूल का जो झुंड होता है उसको लगा करके जटे में बांध में। और बड़े किस्मत वाले होते होंगे लोग जिनकी पत्नियां रोज कहती हैं हमारे यहाँ ऐसा लाओ ऐसे हमारे, हाँ वो क्योंकि भाई वहां बताया ना कि वो अलग ही वहां पे माहौल बनाया जाता है, सभी जगहों का अलग अलग है, अपने पूर्व और अपने केवल देश में देख लो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ही बहुत सारी अंतर देखने को मिलेगा, वो पाश्चात्य संस्कृति पश्चिम देशों में या पश्चिम जगहों पे ज्यादा मिलती है करें वहां। अब देखो आगे मूल बताना है, वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यति अक्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम् करें वाणी का समलंकरोति माने वाणी को अच्छे प्रकार से अलंकार अलंकृत करना ही वाणी पुरुषों की वास्तविक सुंदरता मानी जाती है, या संस्कृता धार्यते या संस्कृत को धारण करें यह अच्छा होता है, यह बहुत बढ़िया माना जाता है। कहते हैं छी अंते माने समय आने पर समय के साथ साथ नष्ट होना, खल भूषणानि यह जो तुच्छ आभूषण है यह सतत माने लगातार क्या होते हैं समय के साथ छिड़ होते जाते हैं, लेकिन वाग भूषणम भूषणम वाणी की शोभा
वाणी का जो आभूषण है, जो सच्ची वाणी, जो अच्छी वाणी, जो मिठास वाणी होती है, वह आभूषण बेहतरीन आभूषण है। और यह समय के साथ में आपकी शब्द शैली, आपके कहने का तरकीब, उसमें जो जो एक ओजस्वपन है, वो क्या होता है, धीरे 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 वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है। हाँ भाई, अब आपके यहां है या नहीं है हम तो नहीं जानते, लेकिन अब सबके यहां होता होगा। गजरा लगाती है क्या? बड़े ध्यान से देखे हो गजरा भाई, हम जानते हैं। मैं जहां जहां भी गया हूं, जहां जहां भी मैं देखा हूं, वहां पे अभी भी कुछ जगहों पर जहां वह संस्कृति है, वहां के लोग अच्छे माने जाते हैं। पता है, केवल एक पक्ष का, केवल लड़की या केवल लड़के का मनमाना होना, वो जो पूरे समाज को डिस्टर्ब करता है, उसका भुगतान केवल उस समय के लोग नहीं भुगतते हैं, उसके बाद आने वाले बच्चे, जब आप अपने बच्चों की शादी कराने जाओगे और आप जब अपने पतोहू को देखोगे को बहुत घुमक्कड़ है, कान में लीड लगा के, ईयरफोन लगा कर करके केवल डांस कर रही है, या फोटो खिंचवा कर करके अगर कान में लीड लगा के भेजती है, तो आपके दिमाग में बहुत बहुत बुरा सा आता है कि यार मारो एक ऐसी लड़की है, आता होगा। लेकिन वही अपने यहाँ फिर जो जिस तरीके से वह प्रचलन में आ रहा है, वो नहीं कोई मना करता है, और वही चीज जब दूसरे को खोजने जाता है तो दिक्कत होती है। तो आज मजा आ रहा है, कल परेशानी सबको होगी। ठीक है, आज मजा आ रहा है ना, सकल से परेशानी सबको होगी, और हम ही आप लोग धीरे धीरे जो बढ़ाए उससे झोलते चलते चलेंगे। फिर हम तो मस्त हैं, चलते चलते क्या होता है। पुरुषस्य भूषणम किम, पुरुषों का आभूषण क्या है, अलंकरणम, विलेपनम, वाक कर्णभूषणम या वाक, बताओ क्या होगा। तो राजा आदमी थे, सिंपल आदमी तो थे नहीं, बहुत सारे चीजों को समझते गए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है यह, पता है सी टेट में भी आया है, यह राजस्थान टेट में भी यह क्वेश्चन यह श्लोक दिया गया है, और हम तो कहेंगे इसमें जितने भी इनके श्लोक हैं सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये भी आपका आया होगा सातवां श्लोक कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गोप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु हो, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया है। बहुत सारे श्लोक जो आपके नीति सत्कम के हैं वो आए हैं, और अक्सर कर करके इसकी जो चौथी लाइन होती है वह आपकी क्या बन जाती है, चौथी लाइन सुक्ति बन जाता है। यहाँ भी देखोगे, आप देखे होंगे वाग भूषणम भूषणम, ऐसा सुक्ति पढ़े होंगे, बहुत बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, वो कोई ऐसा साल नहीं होगा जो छूटा होगा। तो वाग भूषणम भूषणम, मनुष्य में किम संजी करोती, क्या क्या उसको संयोजित करना चाहिए या क्या संयोजित करता है, क्या अच्छा, तब तक आप लोगों के लिए एक कविता का जो है सोच के रखे, हम अपना जो कविता संग्रह है अपना वो पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, देख लेते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें, अब समय नहीं मिलता है उन सारे चीजों को कुछ इकट्ठा कर करके रखें। आज किसका बर्थडे है फिर जरा बताना, यूपी टेट में सिलेक्शन कैसे है? अरे पढ़ने से होता है, ठीक, सभी जगह पढ़ने से ही सफलता मिलती है। ठीक है, मनुष्य में किम संजी करोती, वाणी, वाणी को उनको संयोजित करना चाहिए, उसको समयमित करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए, यह एक अर्थ है। नश्यंत इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, एक चीज हमारा मानना है कि अगर आपको श्लोक या पैसेज अच्छे से समझा दिया जाए तो फिर क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है, क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है। और संस्कृत जानते हो कैसे मजबूत होती है, संस्कृत में कहानियां पढ़ने से, संस्कृत में पैसेज पढ़ने से, संस्कृत में श्लोकों को पढ़ने से अधिक पढ़ोगे तभी होगा। ध्यान दो कि आपको हिंदी कैसे आया था, हिंदी की बहुत सारी लघु कहानियां पढ़ते पढ़ते हिंदी समझ में आने लगी थी, ऐसे ही यहाँ पे। आज किसका बर्थडे है, आपका नहीं है, किसका बर्थडे बताओ तो एक लाइन सुने, अब किस प्रकार से होता हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका। रोज दुर्गेश सर इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि वह किस तरीके से होता है, फिर भी नहीं आ रहा है। टेट के बाद सुपर टेट, तो सुपर टेट के बाद तब फिर आओ उसमें, हर बार जितनी बार अभी दो तीन बार हुआ है उतनी बार में हर बार नियम अलग अलग होता है, तो कैसे कहा जाए कि इसी तरीके से होता है, किसी तरीके से कहा जाए, कैसे कहा जाए, क्योंकि वो हर बार नियम कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। नश्यंत इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम,
किसके छी अंत माने नाश हो रहा है, छी अंत क्षरण हो रहा है, ठीक क्षरण होता है, तो इसके छी अंत खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम, बताओ इसका जो हार है इसका कौन सा शब्द है जो विशेषण है। वैसे ही सुना दे तो हम आपको बता दे, अब हम आपको आपकी आप पता नहीं जो सुनना चाहते हैं वो हम बताएं या जो ना सुनना चाहते हैं। नियम तो यह कहता है कि हर बार चेंज हो रहा है, कोई कंस्टेंट नहीं है। पहले क्या होता था, सीधे जो बीटीसी पास करके आते थे उसी पर उनकी हर साल की भर्ती होती थी। एक साल के अगर 2015 बैच मान लो, जैसे सपोज करो कि 2006 बैच अगर पास हुआ है तो जब तक 2006 बैच का नहीं हो जाता तब तक 2007 बैच का किसी भी बच्चे का नहीं होता था। जब 2007 बैच के पूरे बच्चों को नियुक्ति हो जाती थी तब होता था, जो ट्रेनिंग लेकर के आ जाता था रिजल्ट आता उसका पक्का हो जाता था। फिर बाद में 2011 वगैरह में आ गया टेट, टेट के मेरिट पे पहली बार हुआ, फिर वो 2015 फिर से एक बार वैसे ही करवा लिए अपना। फिर जब दूसरी बार भर्ती आई 2018 वाली, उसमें नियम लगा दिए कि आपको सुपर टेट देना पड़ेगा। उसकी परीक्षा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया था, मतलब पैटर्न का मतलब प्रोसेस ही चेंज था, उसमें लिखने वाला आ गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, अगली बार तुरंत फिर दूसरी भर्ती आ गई। तो इस बार क्या हुआ कि सुपर टेट का 60% अकेडमी की धीरे धीरे 10-10 करके 40% वो भी हो गया, फिर उसके अनुसार हुआ। अब पता नहीं आगे जो भर्ती आएगी उसमें क्या होगा, वो आप दुर्गेश सर हमेशा बताते रहते हैं, आप उसको ध्यान दें। बर्थडे वाला, हम बर्थडे वाला सुनाते हैं, नहीं तो यहाँ पे कई एग्जाम होते हैं, यहाँ पे कई एग्जाम होते हैं, ऐसा एक एग्जाम का यहाँ पर होना जरूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है किसी दिन कहते हैं कि जितने भी टीचर हैं सभी लोग मास्टर हो जाएं, तो वो अलग बात है। ठीक है, अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम चंद्रोज्वला। यहाँ देखो, यहाँ वो हार कैसे बता रहे हैं, चंद्रमा के समान उज्ज्वल धवल उसके समान, वो यहाँ बता रहे हैं। अत्र श्लोके धारयति इति क्रियापद से किम कर्तृपदम करें, बताओ कि यहाँ जो धारयते क्रियापद लिया गया है इसका कर्तापद क्या होगा, मतलब कौन धारण करेगा ये बताओ, कौन। पापानिवारयतयोगिता, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं है। हमारे पास जो जन्मदिन वाली है उसको ध्यान से सुनना, कि जन्मदिन इदम्। अरे भाई ही ना, सॉरी क्षम्यताम, मैं ऐसा नहीं। आप उसके बारे में पूरा देखिए, हाई स्कूल का 10%, अगर आप 67% हाई स्कूल में पाई हैं तो 6.7 पॉइंट जुड़ेगा, ठीक। इंटरमीडिएट में जो भी पाई होंगी उसका 10%, अगर आपका 83 रहा होगा तो 8.3 ऐड कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन में अगर आपने 70 पाया है तो 7.0 ऐड कीजिएगा। अगर उसके ऊपर जो है आप उसमें पाई हैं 80 पाई हैं तो 8.0 ऐड कर लीजिए। इस तरीके से होता है 10%, ठीक है। वो पूरी हर बार जब नई भर्ती आएगी तो बता दिया जाएगा। फिलहाल ये ध्यान दीजिएगा, जो भी परीक्षाएं हो रही है उसको जबरदस्त तरीके से देते रहो। वो पूरी लाइनें हर बार चेंज हो रही हैं, हर बार चेंज हो रही हैं, कोई एक फिक्स नहीं रखा जा रहा है। जितनी भर्ती आ रही है हर बार चेंजिंग हो रहा है। तो आगे देखते हैं, लगा रहे हैं बी 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 बी। संस्कृतम धार्यते, ना 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 ना, संस्कृत धारण नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि पुरुष के द्वारा किसकी वाणी को, वाणी वाणी की जो सुंदरता होती है ना, वाणी वाले में होता है। तो यहाँ पर वाणी से संबंधित है, ठीक है। किससे है, वाणी, वाणी का समलंक करती, वाणी धारित करे समान समलंक करोती पुरुष में, या संस्कृत आधारित संस्कृत संस्कृत युक्त जो होता है वाणी को धारण, मतलब वाणी में वो चीज होनी चाहिए। फिलहाल कुछ लोग कहते हैं गुरु जी हाँ पुरुष धारण कर सकते, पुरुष धारण करता है तो पुरुष पर वाणी पर धारण करने वाली बात आ रही है, वाणी को धारण करने से संबंधित यहाँ पे है। और हालांकि पुरुष यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया गया है तो यहाँ पर वाणी ही माना गया, ठीक है, वाणी पे ही याद करोगे। चंद्रोज्वला इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, इस पद का जो है संधि विच्छेद करिए। आज किसी का बर्थडे नहीं तो काहे सुना दे बताओ। जन्मदिन मिदम अयु प्रिय सखे शंतनो तुते सर्वदा मुदम प्रार्थया महे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वाम च रक्षतु, त्वाम च रक्षतु पुण्य कर्मणा कीर्तिमर्जया जीवनम तवो भवतु सार्थकम जन्मदिनमिदम।
फिलहाल चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न में आप लोगों ने करना स्टार्ट किया चंद्रोज्वलाह इति पदस्य संधि विच्छेद, ध्यान देना चंद्र धन, चंद्र धन उज्ज्वला, चंद्रोज्वला चंद्र, चंद्र का अ रहता है, जब अ के बाद में उ मिले तो क्या मिल जाता है बताओ क्या बनेगा, चंद्रोधन उज्ज्वला नहीं हो पाएगा, चंद्रधन उज्ज्वला अ के साथ में अगर उ का योग होता है तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है, ऐसा आप पढ़े हैं कि नहीं श्रीमान, जब अगर नहीं पढ़े तो बता दो एक बार, हम फिर से चेक कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे, हो सकता है कि हमको नहीं आता हो, तुम लोग को ज्यादा आता हो, एक बार बता देना श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपके सामने अब इतना बड़ा सा पैसेज है, इस पैसेज को हम पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल बड़े डिटेल से बताते हैं और उनको पूरी प्रोसेस पता है, वो विभाग में उसी में है, तो वो चीज ज्यादा सही है। हमसे अगर सीबीएसई के बारे में पूछना चाहोगे तो सीबीएसई की बहुत सारी जो चीजें हमको पता है मैं बता सकता हूँ, कब क्या होता है क्या नहीं होता है वो चीज मैं बता सकता हूँ। हालांकि अब करीब 1.5-2 साल से जब से कोरोना लगा तब से तो सीबीएसई से भी दूर है, नहीं तो फिर क्या होता है कैसे होता है बता सकता हूँ, फिलहाल कॉन्फिडेंशियल चीजों को छोड़ करके, जैसे कुछ परीक्षा विभाग या संशोधन वाले कैसे क्या होते हैं, कहाँ पे जाने से क्या क्या संशोधन होता है, वो कुछ चीजें जो होती है उसको छोड़ करके और सारी चीजें बता सकते। आगे देखते, पूरा गुजरात प्रदेश एक अस्मिन ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत। आपका ज्ञान इतना उच्च स्तर का हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग पढ़ें, अगर आप लोग पढ़ें तो आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए बिना किसी उसके रुक करके अर्थ निकालने के। पूरा गुजरात प्रदेश एक अस्मिन ग्रामे एकम गुरुकुलम आसीत तत्र द्विशतम छात्राः गुरुव्यायने कान विषयान पठन्ति स्म तेषां भोजनादि व्यवस्थां एका नगर स्थिता संस्था अकरोत् एकदा संस्थाधिकारिणः छात्रेभ्यः एकं वैद्यं प्रेषितवन्तः स त्रीणि मासान् तत्र अवसत् किन्तु कोऽपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्सायै न आगच्छत् वैद्यराजः प्रधानाचार्यम् अपृच्छत् किम् अत्र कोऽपि रोगी न भवति प्रधानाचार्यः विहस्य अवदत् वैद्यराज अस्य एकं रहस्यम् अस्ति अत्र सर्वे तदा भोजनं कुर्वन्ति यदा ते तीव्रक्षुधाम् अनुभवन्ति यदा तेषां भोजनेन तृप्तिः भवति ततः पूर्वम् एव ते भोजनं त्यजन्ति एतत् एव एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम् भवान् जानाति एव यत् स्वस्थाः नराः औषधं न सेवन्ते तद्वचनं श्रुत्वा वैद्यः हसित्वा अवदत् अत्र मम उपयोगः न अस्ति अहं गच्छामि नमस्कारः यत्र रोगः तत्र वद्यः यत्र रोगः तत्र। इस तरीके का श्लोक एक अभी इस बार जो सीटेट की परीक्षा हुआ था उसमें आया था। हाँ तो ओ तो बना रहा, जब चंद्र से बना करके लेके जाओगे तो ओ अलग कंडीशन होता है, फिलहाल यहाँ पे चंद्र अ उ के साथ में ओ बना दिया गया है, ठीक है। हाँ तो गुजरात प्रदेश में एक अस्मिन ग्रामे एक गांव में एकम गुरुकुलम आसीत एक गुरुकुल था। अब यहाँ पर आप अभी देखते चलेंगे समझ में आता चलेगा कि हाँ क्या है। कभी कभी पूछ सकते हैं कि ग्राम में कौन सी भक्ति है, ग्राम में पेपर अधिकरण बता रहा है सप्तमी हो जाएगी। तत्र यत्र तत्र ये सब अव्यय है। तत्र द्विशतम छात्राः वहां पर 200 छात्र गुरुभ्यः अनेकान विषयान पठन्ति स्म गुरुओं से अनेक विषयों का या अनेक विषयों को पढ़ते थे। ध्यान देना जब पठति स्म पठन्ति स्म मतलब स्म लग जाए तो वह भूतकाल का द्योतक हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हमको मान के चलो कि लंग लकार का भूतकाल का अगर हमको धातु रूप नहीं पता है तो हम वर्तमान काल के साथ में अगर हम स्म जोड़ देते हैं तो वह भूतकाल का द्योतक हो जाता है। जैसे पठन्ति स्म ठीक पढ़ते थे जबकि पठन्ति माने पढ़ता है, स्मर लग जाने से अर्थ हो गया क्या पढ़ते थे। कई जगहों पर ऐसा अनुवाद में जब आप रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि अगर इस तरीके का अगर हमको रूप नहीं पता हो तो हम स्मर लगा कर करके अपना कार्य निपटा सकते। तत्र माने वहां द्विशतम छात्र गुरुओं से अनेक विषयों को पढ़ते थे। गुरुभ्या में पूछ सकते हैं कौन सी भक्ति कौन सा वचन। तेषां भोजन आदि व्यवस्थाम
उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था एक नगर स्थित संस्था अकरोत, एक नगर में स्थित एक संस्था थी जो करती थी। एकदा संस्थाधिकारिण छात्रेभ्य एकम वैद्यम प्रेषितवंत। एक बार संस्था के अधिकारीगण छात्रों के लिए एक वैद्य को प्रेषित करते हैं। वैद्य मतलब जाकर के थोड़ा इनका चिकित्सकीय जांच हो जाए जो बच्चे अपने छात्रावास में रह रहे हैं। सह त्रीन मासान तत्र अवशत, वह वैद्य वहां पर 3 महीने तक निवास करते हैं, 3 महीने तक रहते हैं। वह पूछेंगे कि वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान देना वैद्य के लिए किया गया है, ठीक है। किंतु लेकिन कोई भी कोप में कौन सा संधि हुई है, पूर्व रूप संधि दिखाई दे रहा है, कह धन अपि कोपी बन जाएगा। विसर्ग संधि अगर यह सीटेट में पूछता है तो विसर्ग संधि का ऑप्शन रहता है, यूपी टेट में क्वेश्चन यहाँ आता है तो ज्यादातर इसमें पूर्व रूप ही ऑप्शन दिया रहता है, पूर्व रूप लगाना। किंतु कोपि रुग्ण, किंतु कोई भी रोगी तस्य समीपे चिकित्सायै न आगच्छत, करण लेकिन कोई भी रोगी उनके समीप में चिकित्सा के लिए नहीं आता। तो वैद्यराज प्रधानाचार्य अपृच्छत, वैद्यराज प्रधानाचार्य से पूछ बैठते हैं, पूछते हैं क्या, किम क्यों अत्र कोपि, अत्र माने यहाँ, कोपि माने कोई भी रोगी न भवति, क्या यहाँ कोई भी रोगी नहीं होता है। प्रधानाचार्य हंस करके कहते हैं विहस्य में पूछ देंगे कौन सा प्रत्यय लगा है, क्योंकि ऐसे भी प्रत्यय के साथ में सीटेट बड़ा अपना साठ गांठ किया है, तो आप लोग भी ऐसे प्रत्यय को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। ये प्रत्यय उनका बहुत बड़ा रिश्तेदार हो गया है, यह प्रत्यय सबको पता होगा मैं किस प्रत्यय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मैं ठीक उसी लेब प्रत्यय के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग सही समझ रहे हो। आगे उपसर्ग लगा हो और अंत में अगर यह शेष बचा हो, ध्यान देना वह करके के अर्थ का अर्थ देता है और उसमें लेप प्रत्यय लगा होता है, क्या लगा होता है, लेप प्रत्यय लगा होता है। विहस्य में वी आपका उपसर्ग है, यह आपका अंत में बचा है, निश्चित तरीके से क्या हुआ है, हस धातु में ऐसा सारा कार्य किया गया है, आएगा हस करके, क्या हो जाएगा, हस करके। तो क्या मिल गया, प्रधानाचार्य विहस्य अवदत, प्रधानाचार्य हस करके बोले। वैद्यराज पूछेंगे वैद्यराज में कौन सी विभक्ति है, तो ध्यान देना यहाँ बोलोगे प्रथमा विभक्ति है, हालांकि यह संबोधन का था लेकिन संबोधन में विभक्ति पूछा जाए, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। अस्य एकम रहस्यम अस्ति, यहाँ एक रहस्य है, अत्र सर्वे तदा भोजनम कुर्वन्ति, यहाँ सभी तभी भोजन करते हैं, यदा माने जब ते तीव्र क्षुधाम अनुभवन्ति, जब वो बहुत तेज भूख का अनुभव करते हैं, अर्थात जब ज्यादा भूखियाई जाते हैं, जब बहुत तेज भूख उनको लग जाती है तभी जो है वह भोजन करते हैं, अदरवाइज वो भोजन ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखना, यदा तेषाम भोजन में तृप्ति भवति, तब वे क्या होते हैं, तब वे भोजन से तृप्त होते हैं, ततः पूर्वम एव ते भोजनम त्यजन्ति, जब मतलब वह हम एकदम नटाई लखाए लें कि अब हमको बहुत पूरा पेट मेरा भर जाए, जस्ट उसके पहले ही भोजन का त्याग कर देते हैं, मतलब नटाई तक एकदम सस्काय के नहीं पेट भरना है, उसमें थोड़ा ही अगर बच जाएगा, नहीं अब हमको अगर 4 रोटी का मतलब भूख है तो हम 3 रोटी खाना खाने के बाद में भोजन करना बंद कर देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं खाएंगे, ऐसा वो बता रहे, ऐसा बच्चों के लिए वो करते थे। एतत् एव एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम्, यही इनके स्वास्थ्य का विशेष रहस्य है। भवान जानाति, आप जानते हैं, एव यत स्वस्थाः नराः औषधं न सेवन्ते, और आप जानते ही हैं कि जो लोग स्वस्थ होते हैं वे औषधियों का सेवन नहीं करते हैं। तद वचनम श्रुत्वा, उनके वचन को सुन करके, वैद्य माने वैद्य हसित्वा माने हंस करके, औदत माने बोला, अत्र मम उपयोगः नास्ति, यहाँ मेरा उपयोग नहीं है, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, नमस्कारः। फिर जाते जाते कहता है कि यत्र रोगः तत्र वदयाय, कहिए कि जो कंक्लूजन निकलता है वह यह कहता है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल देख लिए बेटा, तुम्हारा गलती कैसे हो सकता है, इतने दिन से जब रगड़ रहे हो, हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो तो ऐसे कैसे होगा, हाँ उसमें भी है वैद्य वाला क्लास है उसमें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर गुजरात प्रदेश यस्मिन् ग्राम, सॉरी अब यहाँ तो क्वेश्चन आएगा ना, कति छात्रा है गुरुकुले पठन्ति स्म, थोड़ा बता दो तब तक हम जो है थोड़ा पावर दे दें, डिस्चार्ज हो गया है थोड़ा, हमको लग रहा है कि हाईलाइट श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण भजनम। चलो तो अब यहाँ पे बताते होंगे सभी लोग, आप लोग क्या क्वेश्चन है, कति छात्राः गुरुकुले पठन्ति स्म, कितने, तो यहाँ पे पहली लाइन में दे दिया गया है द्विशतम छात्राः, तो 200 छात्र आप लोगों ने बता दिया। यहाँ क्वेश्चन का आंसर बताओ, जितने लोग पैसेज से भाग रहे हैं ये मान के चलो कि संस्कृत उनके अंदर मजबूत तो नहीं होगी। संस्कृत को मजबूत करने का एक ही आइडिया है कि आप लोग साठ वाले जो कथाएं होती हैं, जो लघु कथा होता है उसको पढ़ा कीजिए, शब्दावली भी मजबूत हो जाती है, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, विशेषण, अव्यय सब उसी से क्लियर हो जाता है। और जब नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी भर करते रहो, फिर गुरु जी लोग कितना करवा दें, 100-200 क्वेश्चन कराने सही हो जाएगा। पढ़ो करो। वैद्य राज कहो कम पृष्ठवान, वैद्यराज किससे पूछते हैं तो प्रधानाचार्य से, किससे, प्रधानाचार्य से। विहस्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें प्रत्यय बताओ, हम चाहते तो कट कट क्वेश्चन दिखा के कट कट आंसर बता के स्किप कर देते, लेकिन उससे मजबूती नहीं आता है, ये समझ लो। मजबूती तब आता है जब आप अंतःक्रिया करते हैं, जब आप खुद से अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं दिमाग, तभी हो पाता, अदरवाइज नहीं। क्या हो गया इसका राइट आंसर, विहस्य में लेप लगाए आप लोग, बहुत सही लगा दिए। त्यजंत इति पदे धातु अस्ति, कौन सी धातु बनी, श्रीमन नारायण नारायण, चलो इस प्रश्न का उत्तर बता दिए सभी लोग, त्यज धातु बनेगा, यज अनंत नहीं है, तर्ज त्यक्त नहीं, त्यज धातु बनेगा। नगर स्थिता, नगर में स्थित, अब बताओ क्या होगा। क्या बना दिए, सी बना रहे हो, कर्मधार बना रहे हो, नगर में स्थित, ठीक है, ऐसे ही लगाओगे, जहां विभक्तियों वाला होता है ध्यान देना, इतना लंबा चौड़ा में पर सब विभक्तियां आती हैं, सब तत्पुरुष में आता है, ठीक, हाँ डी करेक्ट है, बिल्कुल सही। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ, भोजन आदि व्यवस्था पदे विभक्ति अस्ति, भोजन आदि की व्यवस्थाओं का, फिर नहीं दिख रहा है, यहाँ द्वितीय लिखा है हमारे पीछे, हमारे पीछे क्या लिखा है, रुको हम अपने आप को लुप्त कर लेते हैं कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए। भोजन आदि व्यवस्था पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें बताओ कौन सा होगा, क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगी, चलो ठीक, व्यवस्थाम। अस्मिन् उच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम्, करें सेवन्ते, ठीक, अब सेवन्ते देख लो कहां था, इस क्वेश्चन में जो है कुछ सस्पेंशन लोगों को लगेगा, थोड़ा सा इसको देख करके बताना, कुछ लोग जो है दूसरा बता देते हैं, कुछ लोग दूसरा बता देते हैं, और यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वह क्या है, हम बता रहे हैं, आप लोग बताओ, बिल्कुल मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं बताया हूं ना कि मैं जब पैसेज पढ़ाता हूँ तब स्लो पढ़ाता हूँ, और जब मुझे क्वेश्चन करवाना होता है तो मैं धड़ धड़ केवल पेपर पढ़ता हूँ उधर से, और उसके अर्थ को ऐसे मुंह से बताता हूँ, और डायरेक्ट मुंह से बताने मतलब कि उसका एक एक लाइन का अर्थ नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पढ़ा रहे हैं ठीक, और वहां आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वहां समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां क्या करते हैं आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो बस पैसेज पढ़े और उसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पढ़े और सीधे क्वेश्चन करना स्टार्ट,
15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन पूरा कर लोगे। अब इसको हम यहाँ पे जो रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं? आप ही लोगों के लिए रुक रहे हैं ना, नहीं हम पढ़ते ही तुरंत आंसर ना ठोक देते, हमारे हिसाब से नरा होगा कि स्वस्थ नर जो है औषधि का सेवन नहीं करते। कैसे लोग स्वस्थ है? स्वस्थ क्या है यहाँ पर विशेषण बता रहे हैं कि नर कैसे स्वस्थ है। अब हम यहाँ नहीं कह सकते थे कोपि पदे संधि अस्ति, हम कहते विसर्ग संधि। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, 15 में आ जाओ। अत्र मम उपयोग न अस्ति वाक्य मम सर्वनाम पदम कश्यम कश्मय उपयुक्तम, तो कह देंगे हम वैद्य राजाय, वैद्य राज के लिए। क्यों करें? मेरा यहाँ उपयोग नहीं, ऐसा कौन बोला था? वैद्य राज तो बोले थे, यहाँ मेरा उपयोग नहीं, तो मम वैद्य ऐसे ही केवल पढ़ा देंगे तो थोड़ी ना होगा। हम तो देखते हैं कटकट निकल जाता है, और इससे आपको आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आप पढ़ोगे, जब आप बहुत देर तक पढ़ोगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ देखो ध्यान से, को भी पदे संधि अस्ति। अब पढ़ते ही जो हमारे दिमाग में आया, जरूरी नहीं है कि सबके दिमाग में आ जाए, और जब सही बात दिमाग में आने लगे समझ लो पढ़ाई आपकी अच्छी जा रही है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? मैं बताया हूं कि कह धन अपि, अब यह कह से को बनता है और फिर पूर्व रूप होकर करके तब कोपि बनता है। तो जब यह पूर्व रूप जब यही यूपी टेट में आता है तो पूर्व रूप संधि दिया होता है ऑप्शन में, और नहीं है तो यह विसर्ग की वजह से यहाँ पे मैं बताया हूँ विसर्ग संधि पूछा जाता है। ठीक है, विसर्ग यानी ऐसे सूत्र सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर धीरे बनते बनते यह ओ तक पहुंचेगा। और फिर आपको मैं अभी जब विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा तो देखिएगा आप लोग जो हमसे पढ़े होंगे वो जानते होंगे विसर्ग संधि एक स्टेप की नहीं होती है, कई स्टेप में चलती है वो। अत्र मम उपयोग न अस्ति, यहाँ मेरा उपयोग नहीं है, यहाँ मेरा उपयोग नहीं है, यह कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वैद्य ही तो कह रहा है कि वैद्य कह रहा है कि यहाँ मेरा कोई उपयोग नहीं है। तो यह अत्र जो यहाँ पर मम शब्द प्रयोग किया गया है वैद्य राजा या वैद्य राज के लिए कहा गया है। ठीक, किसके लिए? वैद्य राज के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो अब इस तरीके से पढ़ाना वो अलग होता है, कल्ले कल्ले क्या होता है जी बिल्कुल, स्मार्ट रही 24/7। हाँ वो अपना, मैं उस पर जो है संस्कृत पढ़ाता हूँ तो वो अपना है, बहुत ज्यादा उसमें बच्चे नहीं है, बाद बहुत देर के बाद स्टार्ट किया गया था, लेकिन हाँ कुछ बहुत सारी चीजें वहां मिल जाती हैं आप लोगों को, तो वो सारी चीजें हैं। कुछ लोग पूछते रहते हैं बीच बीच में, और ये देखराज महोदय है कि वो उस पर चूंकि पढ़ते हैं तो बीच बीच में बताते रहते हैं। चलिए भाई एक बार टेस्ट कर लीजिएगा सभी लोग जो जिसको, फिलहाल हम तो यहाँ क्लास कराएंगे। तो समझ में आई बात? आई बात समझ में कि नहीं? यह पूरी बात रही इस पैसे से संबंधित। अब एक एक लाइन अगर हम ना समझाएं तो फिर हमारे पढ़ाने कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे से पैडा गाजी वाले क्वेश्चन है उसको नहीं करवाएंगे, और बस अभी इतना ही करवाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूं, और कविता सुनाने के बाद में चल चलेंगे। ठीक है, तो कविता मैं आप लोगों को रुक जाओ सुना दूं, तो इसके लिए एक जगह थोड़ा सा चाहिए। यहाँ पे जगह है क्या? ये यहाँ चाहिए। श्रीमन नारायण 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 ब्रजमन नारायण नारायण नारायण। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, नहीं समझ के परे इसलिए है क्योंकि अभी आप उस पर मेहनत नहीं करें, इसीलिए मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं ताकि आप एक एक लाइन को समझे। जब आप बहुत सारे नियमों को पढ़ने लगेंगे समझने लगेंगे तो फिर सारी बातें समझ में आएंगी। इसीलिए कहते हैं आप लोग कक्षा 6, 7, 8 की जो संस्कृत किताबें हैं उसको निकाल के कहानियों को पढ़ो, उसी से शब्दावली मजबूत होगी, उसी से शब्द संग्रह बढ़ेगा। अदरवाइज फिर ये सोचो कि ऐसे ही हमको भी नहीं आ गया था, मेहनत से आया था। तो चलो एक मैं कविता कल सुनाता हूँ और उसके बाद में हम आगे बढ़ चलेंगे, फिर सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, हर देश में हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा सब खेल में अभी बन नहीं रहा है, अभी एक बार फंस गुनगुनाए तब पढ़ाते पढ़ाते गाना पड़ता है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम
जानकी वल्लभम। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। यह दिव्य खजाना है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य खजाना है जिससे, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तड़काय कहे और न कोई दिखा, बस मैं और तू, सब में तू है। हर देश में, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। अब गीता लास्ट सांगे आप लोग मजाक बना रहे हो, चलो जल्दी से एक, बस एक लाइन एक। अब मैं कल से नहीं सुनाऊंगा, लग रहा है कि कहीं दूसरी जगह सुनाते हो क्या मेरी ये वाली लाइन जो है, मेरा गीता मर कर दो वाला। उनको लग रहा है कोई बात गड़बड़ जरूर है इनके साथ में। क्यों, जाकर के रिकॉर्डिंग सुनो एक बार, जाकर के रिकॉर्डिंग सुनो, और अब कल सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे, ठीक है, अब कल। नहीं तो अब कल सुनाएंगे, अब आज नहीं, ठीक है। चलो बार बार नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग जाके देख लो, ठीक है। प्लीज सर, प्लीज, क्या है आप लोग प्रेशर बनाते हो सर के ऊपर। सभी लोगों को नमस्कार, केवल आप कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई,
तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर के यह रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ नीता मेरी मेरा प्रीत अमर कर दो। चलिए अच्छा सभी लोगों को नमस्कार, अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट डे क्लास में, अभी बस इतना ही ठीक है। आज हो सकता है आप लोगों को पड़ा गाजी वाला भी कुछ कार्य करने हैं, अब जो भी क्लासेस टाइम होंगी आगे मिलेंगे ठीक। कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी सानंद मानंद वनी वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे।